सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूँ अस्मा गुल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। भक्कर से 7 पॉइंट नेटवर्क के डिप्टी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद रान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान किसानों जमींदारों का डेरा रोड पर गोहर ट्रेडर्स के बाहर एहतजाज। किसानों का कहना था कि इस दुकान पर जब भी आए खाद नहीं मिली, एक दो गट्टू दो बार तकसीम हुए। किसान कार्ड के बावजूद जब भी आते हैं दुकान को ताले लगे मिलते हैं। महकमा ज़रात असिस्टेंट कमिश्नर कोई भी ताउन नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे ज़रात अफसरान और ऐसे भी खाद डीलर्स से मिले हुए हैं और खाद ब्लैक की जा रही है। किसानों ने हुकाम बाला से इस्तदा की है कि खाद बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, हुकूमत इस मसले पर तवज्जो दे। हमें सड़कें ब्लॉक करने धरने देने की तरफ से ना धकेला जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस वीडियो में। सुबह सवेरे जैसे सारी आवाम आए खड़े नाश्ते कोने करके आए, सारी झाड़ भूखे खाड़ खाड़ा सवाल बहने हफ्ता थी कि नीवे खड़े हैं सारी झाड़ को गेट ही नहीं खुलना पिया। किसान कार्ड होने के बावजूद ऐसा जमीन दीने का रात रात जाड़े फिर वाले में एक ही कट्टू मिलता किसान कार्ड कैसे नहीं करते ना। कोई महकमे ज़रात का काम होने ते ना एसी का काम होने एसी ते ज़रात अभी तक खामोश है। लगातार खाद ब्लैक निकली गई कहते हैं कि डीलर दे महकमे वाला दे हाथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।